ये देखिए, आज हमने बनाई है इडली रेसिपी, जो कि बिल्कुल जालीदार और बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बनी है। ये देखिए, बिल्कुल स्पंजी बनी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाए और इसे बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो उसे बनाने के लिए हमने लिए है 1.5 कप चावल। जो हम चावल घर में यूज़ करते हैं, हमने उसी चावल का यूज़ करा है। आप भी जो चावल घर में यूज़ करते हैं उसी का यूज़ कर लें। और हमने चावल को अच्छे से वॉश करके 3 से 4 घंटा पानी में भिगो लिया है। चावल बिल्कुल अच्छे से भीग चुका है। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। हमने लिया है 1/2 कप उड़द की दाल। हमने दाल को भी अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट सोक कर लिया है। हमने दाल इस कप से लिया था, तो आप कोई भी मेजरमेंट के लिए कटोरी या फिर इस तरह का कप ले लें। और हमने जितना दाल लिया है उसी का 3 गुना चावल लिया है, तो आपको भी जितना दाल लेना है उसी का 3 गुना चावल लेना है। और हमने लिया है 1 टेबल स्पून मेथी दाना। हमने इसे भी 3 से 4 घंटा के लिए पानी में भिगो लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हमने ग्राइंडर जार लिया है। अब हम इसमें चावल को डाल देंगे। चावल का पानी हमें निकाल कर डालना है। तो ये देखिए, हमने ग्राइंडर में चावल निकाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना। हम चावल के साथ ही मेथी दाना को ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो दाल के साथ भी ग्राइंड कर सकते हैं। हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने वापस से वही मिक्सर जार ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे उड़द दाल और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। और अब हम इसे भी बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने दाल को भी ग्राइंड कर लिया है। हमने इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है। हम दाल को भी उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसे हाथों की मदद से 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि हमारा बैटर जो है वो फ्लफी हो जाए। इसे बिल्कुल अच्छे से फेंटना है, स्पैचुला का यूज़ नहीं करना है, इसे हाथ से ही फेंटना है। तो ये देखिए, हमने इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है। अब हम बैटर को ढक देंगे और हम इसे किसी गर्म जगह पर रख देंगे ओवरनाइट के लिए, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो ये देखिए, बैटर को रखे हुए ओवरनाइट हो चुका है। ये देखिए, बैटर बिल्कुल अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अब हम बैटर को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, कितने अच्छे से बैटर फर्मेंट हुआ है। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें जितना बैटर का इडली बनाना है हम उतना ही बैटर लेंगे और बाकी बैटर को हम रख देंगे। आपको भी जितने बैटर की इडली बनानी है उतना ही बैटर ले। हम बैटर को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख देंगे और हम बैटर को 1 मंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमें जितने बैटर की इडली नहीं बनाना था हमने उसको हटा दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, बैटर बनकर रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। अब हमने इडली मेकर ले लिया है और हमने इसमें पानी ऐड कर लिया है और हम पानी को गर्म होने देंगे। अब हमने इडली स्टैंड लिए है। अब हम इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल इसमें अच्छे से लगाना है, ताकि जब हम इडली बाहर निकालें तो हमें निकालने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, वो इजीली निकल जाए। देखिए, हमने एक स्टैंड को ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब हम दूसरे को भी ऐसे ही ऑयल से ग्रीस कर देंगे। ये देखिए, हमने दोनों स्टैंड को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब हम इसमें बैटर ऐड करेंगे।
बैटर हमें पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है। ये देखिए हमने एक स्टैंड में बैटर ऐड कर दिया है, अब हम दूसरे में भी कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों स्टैंड में बैटर ऐड कर दिया है। तो ये देखिए पानी गर्म हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और हम इसमें इडली स्टैंड को डाल देंगे। हमें इडली मेकर में पानी इतना डालना है कि वो स्टैंड को नहीं छू सके। अब हम लिड कवर कर देंगे और अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो ये देखिए इडली को पकते हुए 5 मिनट हो चुका है, अब हम इसे खोलकर चेक कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी इडली बनकर रेडी हुई है। अब हम इसे एक टूथपिक की मदद से चेक करेंगे। तो ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रही है, इसका मतलब इडली अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इडली को हमें अच्छे से बिल्कुल ठंडा होने देना है। इडली को हम इडली मेकर में से निकाल लेंगे। तो ये देखिए इडली ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए हम स्पून की मदद से इस तरह से करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सभी इडली को निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी इडली को निकाल लिया है। ये देखिए कितना जालीदार बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी इडली बनकर रेडी हुई है। अब हम इसी तरह से सभी इडली को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इडली रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनी है और बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी, बिल्कुल बाजार जैसी बनकर रेडी हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।